चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं मैं। आज का चैप्टर नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट कर दिया है। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं उनके लिए ये एक हम लोग क्या करते हैं ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जितने भी बच्चे एक बार ध्यान दीजिए कि रिकॉर्डिंग में देखने वाले बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ। सेकंड थिंग, आपको देखने के लिए बिल्कुल भी बोर नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंटेशन आपके सामने है। दूसरी चीज़, आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ लेक्चर्स पे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जूम पे ज्वाइन कर सकते हो। जूम पे आपको आना है तो आपको पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच ऑफ ICI में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है 7887878740। नंबर बहुत आसान है, 7887878740। और 50 भी है पर 40 पे ट्राई करना, आपके फ़ोन उठाए जाएंगे। कभी नहीं उठाया गया, सपोज स्टाफ हमारा थोड़ा काम में रहेगा तो हो सकता है, पर आपको बाद में कॉल बैक आ जाएगा, डोंट वरी। दूसरी चीज़, आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बोरिंग पार्ट के लेक्चर्स है शुरुआत में, इसीलिए मैंने सिक्वेंस से मैं लेके जा रहा हूँ कि कोई भी फैकल्टी गुमराह कर सकते हैं आपको कि शुरुआत में इजी इजी टॉपिक और बाद में आपका इंटरेस्ट ही चला जाएगा अकाउंट्स में से। तो मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरा एश्योरेंस है। ट्रस्ट रख सकते हो कि फैकल्टीज, आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हो और जल्दी से जल्दी मेरे जो चैनल्स है उस पर आप ये डेमो लेक्चर्स 8-10 दिन तक मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी। और उसके बाद भी मैं रिविजन्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा। सो मेन इंटेंशन इतना ही है कि आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे जूम के द्वारा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। तो जो भी बच्चे लेक्चर्स लेना चाहते हैं आप लोग हमारे पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे निकलते हैं, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी पहला मीनिंग आएगा सर, फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है? सर फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है? तो हम लोग ये चैप्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? तो आपको 10 पार्ट्स में मैंने ये डिवाइड किया हुआ है। पर्पज ऑफ फ्रेमवर्क, ये सबसे पहले आने वाला है, पर्पज ऑफ फ्रेमवर्क। स्टेटस एंड स्कोप, बाकी की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट, स्लोली स्लोली ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल एजम्पशंस, ये तो हमारा हो चुका है सर। फंडामेंटल एजम्पशन, यस, आपको कुछ याद है फंडामेंटल एजम्पशंस क्या होते हैं? डिंपल जी जल्दी से मुझे बताइए, कुछ याद आ रहा है फंडामेंटल? एक नंबर, क्या याद रखा था? गैस करके एक वर्ड मैंने बताया था, वो याद रखना था आपको। गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड कंसिस्टेंसी, GAC, यस, वेरी गुड। तो आपने ये फंडामेंटल एजम्पशन वही यहाँ पे भी वापस पढ़ना है, वो जो चीज़ें वो डिटेल में पढ़नी है यहाँ पे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपका फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 1 था, उसमें क्वालिटेटिव रिलायबल होना चाहिए, फिर आपका रिलेवेंट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये कुछ चीज़ें थी। याद आया आपको फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में था ये शायद से, फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में। फिर उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेजरमेंट मेजरमेंट, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कैपिटल मेंटेनेंस। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैं बोल सकता हूँ 30% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 70% थ्योरी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी करने वाले, सो डोंट वरी, ये चैप्टर में थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम्स भी मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर, ये मिक्स चैप्टर रहेगा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्लस थ्योरी प्रॉब्लम दोनों होगा, तो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 1 जैसा ये नहीं है कि प्योर थ्योरी था, पर चैप्टर नंबर 1 में आपको ये समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन निकालता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट कैसे किए जाते हैं, IFRS क्या होता है, इंड एज क्या होता है, और उसके साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपको मैंने कुछ टारगेट्स दिया था कि 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेली बेसिस पे आपने किए तो आपको नंबर्स भी याद हो जाएंगे, पर हो सकता है तो डेली 5 नंबर्स याद करने की शुरुआत करना, जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स आएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने से पास होना भी ईजी होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। देखो आपको रोज मैं बोलता रहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम, यदि आप रोज ये लेक्चर सुनोगे तो रोज सुन सुन के आपको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर याद हो जाएंगे। चलो 1 से शुरू करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकॉर्डिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 8 नंबर नहीं है, 9 नंबर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10 नंबर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 11 नंबर इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, देन 12 नंबर गवर्नमेंट ग्रांट्स है, 13 नंबर ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, 14 नंबर एमलगमेशन है, 15 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 नंबर बोरिंग कॉस्ट, 17 नंबर सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 नंबर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 19 नंबर लीजेस, 20 नंबर अर्निंग पर शेयर, 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद 22 में है आपका टैक्सेस ऑन इनकम, 23 ये एसोसिएट्स का अकाउंटिंग है, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 26 इंटेंजिबल एसेट, 27 ये इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट एंड 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो आपको एटलीस्ट नंबर्स याद करो रोज बोलने से, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी तुरंत आपको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स याद हो जाएंगे, नेम्स याद हो जाएंगे, नो सर अभी नहीं, पर ओवर द पीरियड 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में ये नंबर्स अपने आप याद हो जाएंगे। और जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे शुरू
होंगे, सिखाने का टेक्निक जो रहेगा वो मैं स्टडी मटेरियल के पैटर्न से ही आपको लेके जाऊंगा, और हो सकता है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सिक्वेंस जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसी सिक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करना। जहां पे मुझे लगता है कि नहीं भाई ये सिक्वेंस गलत है तो वहां पे मैं आपका सिक्वेंस ये बदल दूंगा। आशा करता हूं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये आप एंजॉय करोगे, क्योंकि दुनिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदल रही है, सीए फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जा चुका है, तो इंटर भी वो आना चाहिए ही था और वो आ चुका है। और बट आपकी जिंदगी थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मिजरेबल हो चुकी है, थोड़ा सा टेंशन वाला काम हो चुका है कि सर सॉल्विंग में मजा आता था, डिप्रिसिएशन होगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा, ये थोड़ी थ्योरी बेस्ड हो गया है, पर ऑप्शन नहीं है, पर इसको इंटरेस्टिंग बनाना ये मेरा काम है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो आज का स्टैंडर्ड, आज का टॉपिक मैंने बताया था फ्रेमवर्क अबे सीखना है, और ये फ्रेमवर्क क्या होता है ये हमें सीखना है कि ये क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या, तो इसका मीनिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे। फ्रेमवर्क मतलब क्या, तो स्क्रीनशॉट नंबर वन से शुरू करना है, व्हाट इज फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट नंबर वन। ओके सो कॉन्सेप्ट वन है फ्रेमवर्क का मीनिंग। टू असिस्ट, असिस्ट हेल्प करेंगे, क्यों, तो किसमें हेल्प होने वाला है, एंटरप्राइजेस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो भी कंपनीज होंगी, जो भी एंटरप्राइजेस होंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उन्होंने कैसे फॉलो करना है इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इट्स टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंट्रोड्यूस कर दिए, पर भाई हमें रिव्यू भी लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी बिजनेस तो डाल दिया, पर बिजनेस डालने के बाद बेटा वो अच्छे से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये रिव्यू लेना चाहिए। सेम ये पर्पज यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया तो उसके बाद हमें रिव्यू लेने के लिए ये हेल्प कर देंगे, ये फ्रेमवर्क की चीज है। अभी उसके बाद तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएसबी जो है वो प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हार्मोनाइजेशन मतलब एक जैसा करना, तो रेगुलेशन मतलब लॉ को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक लेवल पे लेके आएंगे। क्या होता है कभी कभी लॉ अलग बोल देता है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बोल देता है, हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर में भी होते। सो लॉ का मतलब एक पापा है, लॉ पापा है और मम्मी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो दोनों के व्यूज ये डिफर होना यस 100% होने के चांसेस है, पर वो दोनों के बीच में आके मैं जो है ना वो सलाह कर दूंगा, दैट इज देव, उसका मीनिंग है फ्रेमवर्क। तो मैं फ्रेमवर्क रहूंगा मम्मी पापा के बीच में, आके मैं कुछ तो वहां पे हार्मोनाइजेशन कर दूंगा कि भाई मैं झगड़ा नहीं करना है, आपके ओपिनियंस एक लेवल पे मैं लेके आऊंगा। सो ये होता है हार्मोनाइजेशन, तो इसका हेल्प भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंफर्म विद दी, और ये एक जैसे है क्या नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी एक लेवल पे लेके आने का काम ये फ्रेमवर्क करता है। नेक्स्ट, यूजर्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको भी ये हेल्प कर देता है ये फ्रेमवर्क जो है। एंड लास्ट में दोज इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ एएसबी, उनको भी ये हेल्प हो जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को भी थोड़ा बहुत ये फ्रेमवर्क के वजह से, अभी फ्रेमवर्क क्या है वो अगले स्लाइड में आएगा, पर ये फ्रेमवर्क का फायदा क्या है, तो ये सभी फायदे हैं। डिंपल जी समझ में आया कि आपको क्या फायदे हैं? आवाज नहीं आ रहा है डिंपल जी आपका? हाँ जी, तो ये समझ में आ गया कि आपको, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस वेरी गुड सर, ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए क्या? रट्टा मार पॉइंट्स नहीं है तो याद नहीं भी रहेंगे, पर जब भी आप यूज करोगे ये इन्फॉर्मेशन तो आपको फ्रेमवर्क का फायदा क्या है ये समझ में आने के लिए आप आपके नोटबुक में लिख के रखोगे, एक के नीचे एक लिखना। जरूरी नहीं है कि आप पांच का चार्ट बनाओ, आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो। तो पांच फ्रेमवर्क है, दिखाने के लिए ये इजी लगता है ट्री डायग्राम में, पर लिखते टाइम आप एक के नीचे एक लिख देना। ओके सो दिस इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क। तो स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क क्या है? मुझे अभी भी एक कमेंट आया नहीं है कि भाई आप लोगों ने स्टडी मटेरियल रीड किया या नहीं किया। सो आई एम नॉट गेटिंग द आंसर कि वेदर यू रीड स्टडी मटेरियल और नॉट, और यदि रीड किया है तो वेदर एनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया नहीं था। ओके सो जो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपने रीड करने के बाद, ऐसा कहाँ पे भी आपको लगना नहीं चाहिए कि संकेत सर के जो पढ़ाने का तरीका था वो इंस्टीट्यूट के तरीके से अलग था, क्योंकि बेटा बहुत सारे, डिंपल जी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी फैकल्टीज जो है ना
वो इधर इधर का इतना नॉलेज देती है, आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद समझ में आता है कि एग्जाम में इसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब मैं कुछ किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई हैव सीन सच फैकल्टी जिनके बड़े बड़े नाम है, पर ये इधर का उधर का नॉलेज बच्चों को ये सब गूगल वगैरह दिखा के रखना, यूट्यूब दिखाना, और ये सब मतलब होता है, और फिर बाद में जब ये बच्चे देखते हैं ना, तो ये गुमराह मुझे किसी को करना नहीं है। कि आप लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए कि जो भी संकेत सर पढ़ा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड जो है वही पढ़ा रहे, तो ऐसा ना हो कि कुछ अलग आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, चैप्टर वन सर, रेड सर, हाफ रेड किया, थोड़ा सा ही रेड किया। संयम बोल रहे हैं मैंने रीड किया हुआ है सर, रीड एंड नो डिफिकल्टी एट ऑल। स्वाति बोल रही है, नवीन बोल रहा है, यस ये आप में पेशेंस बहुत चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ने के पेशेंस बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, और डेली 2 आवर्स, 2 आवर्स अदर देन क्लास टाइमिंग आपको डिम्पल देना पड़ेगा। आपकी कंसिस्टेंसी जल्दी से जल्दी, भगवान को दुआ करता हूँ, जल्दी से जल्दी कंसिस्टेंसी आपकी आ जाए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपके निकल जाए। ओके, तो ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज के दिन पे, पर बैकलॉग जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका दिन कम होते जाएंगे, इतना ध्यान में रखो। और बैकलॉग एक दिन ऐसा आएगा कि स्टार्टिंग में आपने कंप्लीट करने की आदत लगा दी, तो आपको भी पता है कितना कंसिस्टेंट आप फाउंडेशन में थे, और वही कंसिस्टेंसी का फायदा आपको हुआ, और अभी आपको 2 ग्रुप में उतनी कंसिस्टेंसी बतानी है। यदि पास होना, ये मैं रोज नहीं बताऊंगा आपको, आपका मोटिवेशन अच्छा ही रहने दीजिए, नो डाउट, पर आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि विदाउट कंसिस्टेंसी आपका जो मार्ग है वो सुकर नहीं कर सकते हैं, आप लोग उसको अचीव नहीं कर सकते हो। तो इतना याद रखो, एक भी दिन आपको मैं दूंगा, आपको 2 दिन दूंगा, आप बैकलॉग कंप्लीट कर लो, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, इस बार संडे मंडे होने वाला है, क्योंकि मैं मंडे को आपका सेशन नहीं ले पाऊंगा, मंडे को, क्योंकि मैं कोलकाता में जा रहा हूँ वापस से, तो वहाँ पे मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा आपका, मंडे को मेरा फ्लाइट है, तो संडे आपको छुट्टी रहेगा, और मंडे सैटरडे क्लास रहने वाला है, इतना याद रखो। रक्षाबंधन को भी हम लोग क्लास रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस बेटा पीयूष, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ बच्चे अपने फाउंडेशन के भी आके मुझे पूछते रहते हैं, सर एनपीओ चैप्टर ले लो। यस बेटा, एनपीओ चैप्टर आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, डोंट वरी। ओके चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। डिंपल जी, आशा करता हूँ आपका आज का रीडिंग, अभी कल का रीडिंग मत कीजिए, आज का रीडिंग का बैकलॉग मत रहने दीजिए। ओके हाँ जी, अभी बैकलॉग के पीछे मत जाइए, जो रनिंग है वो गाड़ी पकड़ लीजिए। अभी एक मेट्रो छूट गई तो दूसरी मेट्रो जो आई है उसको पकड़ने का, पिछले मेट्रो का नहीं सोचने का। अभी अभी वो बैकलॉग संडे को कंप्लीट कीजिए। ओके, हो सकता है तो दोनों कंप्लीट कर दो, हो सकता है तो, पर ये तो छोड़ो मत। यस ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और बहुत बढ़िया बेटा क्षितिज, वेरी गुड बेटा, पूरा रीड कर दिया स्टडी मटेरियल। 2 घंटे आपका स्केड्यूल जो है ना, मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ, वापस से एक बार बोल रहा हूँ कि सुबह का टाइमिंग लॉ को रखिए, तुरंत लॉ होने के बाद उसके नोट्स निकालिए, 2 घंटे के नोट्स एट अ टाइम, 3 सब्जेक्ट से पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए, दोपहर को अकाउंट्स पढ़िए, शाम को जीएसटी पढ़िए। वैसे ही मैंने स्केड्यूल बाकी फैकल्टीज से भी लगा लिए है, तो आप लोग जो भी इच्छा होगी, आप बाकी के फैकल्टीज के भी, और रिकॉर्डिंग में आप लेक्चर्स देख रहे हो तो भी, शाम को जीएसटी रखना, दोपहर को अकाउंट्स रखना, मॉर्निंग में लॉ रखना, अपार्ट फ्रॉम दैट डेली रीडिंग करना, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, मतलब 6 घंटा क्लास रहेगा। सपोज 5.5 घंटे 6 घंटे क्लास है, तो 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 12 घंटा शुरुआत में बस हो गया, 12 घंटा बहुत हो गया। ओके चलिए, अभी हम लोग निकलते हैं, फ्रेमवर्क मेरा हो चुका है, मैं स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब ये किसको अप्लाई होता है, तो बड़ा ऑब्वियस, 2 टाइप के फ्रेमवर्क है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस ये एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स आपको पता ही होगा कि जैसे शेयर होल्डर्स होंगे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, एंड स्पेशल पर्पस ये फॉर टैक्स पर्पस होगा या मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क ये किसके लिए होता है, इसका फायदा जनरल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल पर्पस उनके लिए हो सकता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क, ऑलवेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो फ्रेमवर्क बनाने के टाइम पे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी बनाए जाते हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी बनाए जाते हैं। फ्रेमवर्क कैसे बनाए जाते हैं वो आगे आपको समझेगा ही, पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क के बीच में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये ना स्पेसिफिकली एक 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 स्टैंडर्ड है, जो फ्रेमवर्क ये जनरल होता है, मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या, इन्वेंट्री, उसको कैसे वैल्यू करना है इसके बारे में ज्ञान होगा, पर फ्रेमवर्क में क्या दिया होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कॉन्सेप्ट ये बताएगा कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो। आज सुबह की मैं केस आपको बताता हूँ, आज सुबह की केस, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल करके पूछा कि सर कंपनी एक्ट के अंडर डिप्रिसिएशन जो है वो 25 साल का दिया हुआ है,
डिप्रिसिएशन एक चीज के ऊपर 25 साल का दिया हुआ है, और हमने क्या किया, हमने मतलब वो लोगों ने वो एसेट का एक टेक्निकल पर्सन को बुलाया, टेक्निकल पर्सन ने 12 साल उसकी लाइफ बताई, 25 साल लाइफ है कंपनी एक्ट में, 12 साल लाइफ बताई टेक्निकल पर्सन ने। सपोज 1 करोड़ की एसेट है, तो डिंपल मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 12 साल में डिवाइड करोगे या 25 साल में डिवाइड करोगे? कंपनी एक्ट बोल रहा है 25 साल में डिवाइड करो, और टेक्निकल पर्सन बोल रहा है 12 साल में डिवाइड करो। व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं, तो यहाँ पे आंसर जो है, रमन गुप्ता, यस बेटा डोंट वरी, तो साल का लाइफ है यहाँ पे, 12 साल का लाइफ में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक सीखे, डेप्रिसिएशन 12 साल में हर साल ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 25 साल। 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 ईयर्स किया तो आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा आएगा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा आएगा तो लॉस ज्यादा आएगा, लॉस ज्यादा आएगा तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, मतलब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। आया समझ में? आपने ये बताना चाहिए था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज करो, तो लॉस ज्यादा दिखा कोई बात नहीं है। आया समझ में कैसे गाइडेंस देना था आपको उसको? यस, 12 साल में, टेक्निकली 25 साल रहने दो पर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 साल, जो सॉरी कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं जाएंगे, टेक्निकल पर्सन के हिसाब से, क्योंकि उसके वजह से लॉस ज्यादा दिखेगा। देखो हमने किसी की साइड नहीं ली है, हमने किसी की भी साइड नहीं ली है, हमने ये सोचा है कि किसमें लॉस ज्यादा दिखेगा, और जिसमें लॉस ज्यादा दिखेगा वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? एकदम सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेमवर्क अप्लाइज टू जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एंड फॉर टैक्स पर्पस। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर सबको मिल गया, ये था स्क्रीनशॉट नंबर 2। स्क्रीनशॉट नंबर 2 मैं यहां से हट जाता हूँ, और स्क्रीनशॉट नंबर 2 इधर आप पॉज करके लिख लो, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे और जो जूम पे देख रहे हैं या मेरे लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं, वो बाद में हमारे ग्रुप पे आपके स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट्स को अच्छी तरीके से लिख लेना। वेरी गुड, ओके डन। नंबर 3 पे आता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो हालांकि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ये बता ही दिया, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट मतलब क्या? इट शोज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। देखो एसेट को कभी भी ओनरशिप से मत जोड़ना, एसेट कभी भी आपके बुक में ओनरशिप के वजह से नहीं आती है, तो कंट्रोल के वजह से आती है। मैं S10 में ये डेफिनेशन वापस से बताऊंगा, सो डोंट वरी। S10 एंड S26, S26 इंटेंजिबल एसेट का है और S10 ये टेंजिबल एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट में जो भी चीजें रिकॉर्ड होगी, इट शोज द इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। तो जो कंट्रोल होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और कंट्रोल में इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल भले वो एसेट मेरे नाम पे नहीं रहेगी पर उसको मैं कंट्रोल करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप मेरे बीवी के नाम से मैंने ये इसको लिया होगा, पर आज वो एसेट दिखेगा मेरे बुक्स में। क्यों मेरे बुक्स में दिखेगा? क्योंकि वो लैपटॉप पे 100% कंट्रोल मेरा चल रहा है। तो जब भी कंट्रोल मेरा होगा तो मैं वो बुक में बताने वाला हूँ शो वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज। एकदम इजी है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज क्या है और आपके एसेट्स क्या है, इससे आपकी लिक्विडिटी पोजिशन समझ में आती है। यदि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो मतलब आपकी कंपनी आराम से लाइबिलिटीज पे कर सकती है, यदि आप लॉसेस में हो तो आपके एसेट जो है ना, दे आर नॉट सफिशियंट टू पे यूअर लाइबिलिटीज। ये आपको याद रखना है, एंड इट इज यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। तो इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट बताते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब आपकी लाइबिलिटी। तो आपकी लाइबिलिटीज क्या है, उसकी एबिलिटी कितनी है, पे कर सकते हैं लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, ये सब आपको बैलेंस शीट के द्वारा समझ में आएगा। यस, विच इज लोअर? नहीं, इधर कॉन्सेप्ट वही लगेगा बेटा क्षितिज, कि डिप्रिसिएशन जितना ज्यादा होएगा उतना आपका लॉस ज्यादा दिखेगा, और डिप्रिसिएशन ज्यादा कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर लोअर होगा, डिनोमिनेटर लोअर होगा, ये उसका लॉजिक था। चलो बैलेंस शीट का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा, तो बैलेंस शीट लिखने की जरूरत नहीं है कंपोनेंट्स में। बैलेंस शीट के बाद हम लोग दूसरा स्टेटमेंट कौन सा बनाते हैं, तो P&L। P&L आपका इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बस ये सिर्फ रिजल्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज है, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को ऑलरेडी पता है ये क्या होता है, इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने की जरूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिर्फ नाम याद रखो, 3 एक्टिविटीज में ये डिवाइड होता है। आपको मैंने फाउंडेशन में भी बताया था एक्टिविटीज 3 होती है, कुछ याद आ रहा है क्या आपको, कौन सी 3 एक्टिविटीज होती है इसमें? ऑपरेशन,
ऑपरेटिंग हो गया। अरे वाह डिंपल जी, क्या डिटेल में पढ़ाई की है, वेरी गुड। सो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओ इफ ऐसे याद रखने को बोला था, ओ फॉर ऑपरेटिंग, आई फॉर इन्वेस्टिंग एंड एफ फॉर फाइनेंसिंग। सिर्फ चीज़ें याद रखो, ये एक्टिविटीज आपको S3 में आने वाली है। सो डोंट वरी, S3 के ऊपर डिटेल क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हम लोग देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो सिर्फ कंपनी के केस में होता है, बाकी केसेस में नहीं आएगा। इक्विटी का कैपिटल वो कंपनी के केस में आता है, तो इतना याद रखिए। नोट्स टू अकाउंट्स ये हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग उसी दिन मैंने बताया था कि हम लोग कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, फीफो कर रहे हैं या वेटेड एवरेज कर रहे हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग S17 है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर S18 है, अर्निंग पर शेयर S20 है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं। सो डिस्क्लोजर क्या करना है बाद में वो हमें देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो वो भी हमें समझ में आता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो कंपोनेंट्स मतलब रीडर को हम लोग सामने क्या देने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट नंबर तीन था, आई होप एक ही इसमें नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब आपको कंपोनेंट्स भी क्या है वो समझ में आया होगा। आपको ये लिखना नहीं है, क्या लिखना नहीं है, सॉरी ये लिखना नहीं है, बस यहां तक अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट नंबर थ्री। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया होगा आपको, ओके। चलिए अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट नंबर फोर चालू है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड यूजर्स क्या है। ऑब्जेक्टिव ये बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी फाइनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट, P&L मतलब परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। तो अभी यूजर्स मतलब ये रीड जो भी करेगा उसको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको संकेत सर कितना कमा रहे ये आपको देखना होगा, तो आपको मेरे P&L और बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, तब वो एक कम्युनिकेशन होगा, आपको ध्यान में आएगा कि संकेत सर कितना कमा रहे। तो ये चीजें जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही तो बताता है, और यही चीज जो होता है ना आपको स्ट्रांग करता है। देखो आपको ये सिर्फ ये नहीं समझ में आएगा कि भाई हाँ सर सिर्फ यही है कि इनकम से कमा रहे हैं, नहीं सर अलग अलग इनकम से कैसे उनका P&L दिख रहा है, कैसे उनका बैलेंस शीट दिख रहा है, ये चीजें आपको समझ में आएगा कि मेरा कितना स्ट्रांग प्रॉफिट और लॉस है या वीक प्रॉफिट और लॉस है। तो यही एक माध्यम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही आपको सब समझ में आएगा। कोई भी कंपनी का लिखा चिट्ठा जो होगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही समझ में आता है, इतना याद रखिए। ऑब्जेक्टिव्स तो वही है, पोजीशन देखना, परफॉर्मेंस देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना, और ये यूजर्स लोगों को हेल्पफुल होता है। अब यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, यूजर्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अभी इन्वेस्टर तो एक्सटर्नल होगा, एम्प्लॉई इंटरनल है, लेंडर ये भी आपका एक्सटर्नल है, सप्लायर एक्सटर्नल है, कस्टमर एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, पब्लिक एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये आपका रहने वाला है। यूजर्स में वो यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर वो भी आपका इंटरनल यूजर रहने वाला है, ये याद रखिए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट नंबर क्या था, हाँ जी एक सेकंड, स्क्रीनशॉट नंबर फोर ले लीजिए, फिर मैं इसके डिटेल में आपको कुछ चीजें बताता हूं। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग संयम ये उसका सीक्वेंस है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन मत ले, नाम इधर उधर हुए तो भी जब सॉल्व करेंगे तब का सीक्वेंस ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ओ इफ यही सीक्वेंस है बेटा, और उसी सीक्वेंस में मैंने बताया हुआ है। ओके स्क्रीनशॉट नंबर फोर ही था ना ये या फाइव था, ओके। सो इन्वेस्टर क्या करता है, तो इन्वेस्टर ये एनालिसिस ऑफ दी परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ये चेक करता है। एम्प्लॉय को क्यों लेना देना है कि क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा रहना अच्छा है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको मेरे ऊपर तब भरोसा लगेगा जब उनको पता होगा अरे संकेत सर अच्छा कमा रहे तो मेरा भी इसके साथ अपना फ्यूचर भी ब्राइट है, तो ही वो मेरे साथ टिकेंगे, नहीं तो क्यों टिकेगा भाई, इनके लेने के वादे के तो और ये भी मेरे पास क्यों आके रुक जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा, उनको भी मेरे ऊपर भरोसा होगा तो ही वो मेरे साथ टिके रहेंगे। लेंडर्स क्यों देंगे, वो भी मेरी बैलेंस शीट P&L स्ट्रांग है क्या नहीं चेक करेंगे, लोन देना उनका काम है तो लोन देने का काम होगा तो बट ऑब्वियस वो मेरा क्या है बैकग्राउंड ये चेक करेंगे, एरे गेरे को लोन नहीं दे सकते हैं। सप्लायर भी वो भी मुझे माल
क्रेडिट पे देते हैं, तो माल क्रेडिट पे देंगे तो मेरा क्रेडिट वर्दीनेस चेक भी करेंगे कि भाई इसकी औकात है क्या मेरा मटेरियल लेके, मैं तो इसको उधारी पे माल दूंगा और ये वापस से मुझे ये पैसा रिटर्न देगा क्या नहीं देगा, ये मेरी औकात देखेगा। और वो औकात कैसे समझ में आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही उसको ये समझ में आ सकता है। तो सप्लायर और क्रेडिटर्स को बोलूंगा देख मेरा पी एंड एल बैलेंस शीट मेरे ऑडिटर ने यह साइन करके दिया हुआ है, कोई भी इसमें गुमराह करने वाली बात नहीं है, सीए का सर्टिफिकेट है, सीए का ठप्पा है, मतलब ये ट्रू एंड फेयर होने के 100% चांसेस है। कस्टमर जो है ना वो भी इसीलिए करेगा एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। गवर्नमेंट भी क्यों जानेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ही कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब उनको ये कुछ टैक्स रेट में कमी लग रही है तो वो बढ़ा भी सकते हैं, या उनको लगता है नहीं ये प्रोडक्ट जो है ना हम लोग ये प्रोडक्ट में इतना कुछ मार्जिन नहीं है तो बेचारों का ये इनका जीएसटी कम कर देते हैं, या कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना होगा तो गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद होगा। और पब्लिक मतलब आप और मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो, और लोकल इकोनॉमी एट पब्लिक, हमें वो नाम से प्यार हो जाता है, वो प्रोडक्ट एक ब्रांड बनाता है और पब्लिक जो है ना वो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके स्ट्रांग होंगे उसी प्रोडक्ट के पास जाने वाले हैं, ये ध्यान में रखिए। तो पब्लिक के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये उनके उनके अलग अलग काम थे। ओके, अभी हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, फंडामेंटल अजम्पशंस, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाऊंगा। सो अभी इसके बाद थ्योरी जो है वो हमारी सीमित हो जाएगी और थोड़ा मैं आपको आज पहले प्रॉब्लम के टूवर्ड्स लेके जाऊंगा फंडामेंटल अजम्पशंस के बाद। डिंपल जी मुझे आपको एक पूछना है, आप बहुत ज्यादा थ्योरी रीड कर रहे हो पिछले 3 दिन से, मतलब ऐसा हो गया कि संगत सर आप तो अकाउंट्स के टीचर थे और अभी आजकल हमें अकाउंट्स मतलब लॉ लगने लगा है तो आपको बोर हो रहा है? मैं क्षितिज को भी ये कल क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली। बिल्कुल भी बोर नहीं होता आपको थ्योरी होने के बावजूद, मतलब एक पूछ रहा हूं थ्योरी होने के बावजूद भी अकाउंट्स बोर नहीं लगता आपको आज अब भी नए कोर्स का? अच्छा, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपने खुद ने मॉड्यूल कभी ऐसे ही मैं शुरू करने के पहले रीड करने की कोशिश की है कोई चैप्टर का? इसीलिए ओके, पर देखने के बाद फिर इजी लगने लगता है ऐसा मुझे एक से पूछना है कि आप खुद से रीड करना शुरू करोगे बिफोर टीचिंग तो आपको बोर हो जाएगा क्या मॉड्यूल पढ़ना? कितने पेजेस पढ़ लोगे फिर? नहीं, मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा इजी कब लगता है आपको कि मैंने एक्सप्लेन करने के बाद जब रीड करते हो तब बहुत ज्यादा इजी जाता है या खुद से पढ़ने में भी इजी लगता है आपको, कभी ऑब्जर्व किया है क्या? अच्छा, एक्सप्लेन कर, मतलब बोर आपको, मतलब टारगेट सेट कर दिया तो आप घर पे कर सकते हो, मतलब अभी ये तो ठीक है आपने एक दो दिन किया नहीं पर जब जैसे ही मैं बता देता हूँ उसके बाद तो आपके, मतलब जब मॉड्यूल पढ़ते हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाता है आपको। वेरी गुड, यही चाहिए। जब आपको एक ही बात बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट, जिस दिन आप मॉड्यूल को रीड करना आपको ईजी लगेगा या बेयर टेक्स्ट को रीड करना जिस दिन आप इंटरेस्ट में इंटरेस्टिंग लगेगा तब आपके फैकल्टी ने कुछ तो आपको सिखाया हुआ है, इतना याद रखिए। जिस दिन आप मॉड्यूल खोलने के बाद आपको ये लगता है कोई भी सब्जेक्ट का कि भाई फैकल्टी ने ये टॉपिक सिखाया हुआ है पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मॉड्यूल की लैंग्वेज, तो उस दिन आप समझ लेना आपके फैकल्टी ने अच्छे से नहीं किया। इट्स ओनली क्या बोल सकते हैं, इट वी कैन कॉल इट एज एक पिन पॉइंट बोल सकते हैं कि आपकी फैकल्टी अच्छी है क्या नहीं है वो चेक करने के लिए। आया समझ में? ओके, चलो, वेरी गुड, आयशा जी ने तो लिख दिया है। ओके, चलो, अच्छी बात है। फंडामेंटल एजम्पशंस, चलो फंडामेंटल एजम्पशंस हम लोग देख रहे हैं अभी। यस, फंडामेंटल एजम्पशंस में 3 कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 3 कॉन्सेप्ट फंडामेंटल एजम्पशंस में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो ये क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, एक छोटा सा मैं वीडियो कट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और आपको प्रॉब्लम पार्ट पे आना है, तो जल्दी से जल्दी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में रहने वाला है। ये स्क्रीनशॉट नंबर क्या था आपका? 6 था ना शायद से, स्क्रीनशॉट नंबर याद रखना था आपको, नहीं 5 है, स्क्रीनशॉट नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट नंबर 5,
ओके, गोइंग कंसर्न, ओके। तो वी आर हियर फॉर स्क्रीनशॉट नंबर 5। और जितने भी हमारे बच्चे हैं बेटा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली बेसिस पे एक ही मेरे लिए करते जाना, एक दो लाइन का कमेंट डाल देना वो लेक्चर के बाद। तो कमेंट्स से बेटा चैनल थोड़ा ग्रो होता है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आपकी सहायता मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबकी। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, आप लोग एक कमेंट, जो भी लगता है आपको वो लेक्चर के बारे में क्या सीखा वो तो भी उसमें डाल देना कि सर वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लेक्चर, क्या क्या आपको सोच समझा है। एक 5 मिनट में उतना तो आप बोल ही सकते हो। एक ऐसे राइटिंग मत करो, एक 8-10 लाइन का भी लिखा, 5 लाइन का, 3 लाइन का तो अच्छा होगा। ओके, तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रुअल, हम लोग इसको याद रखेंगे कैसे। तो गैस करके, पर गैस का स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे सी आता है नॉट एस, तो गैस ये याद रखो। गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड कंसिस्टेंसी, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम के द्वारा, गोइंग कंसर्न के एक छोटे से प्रॉब्लम के द्वारा एक्रुअल कॉन्सेप्ट के लिए भी चर्चा करेंगे, कंसिस्टेंसी भी। तो ये 5 नंबर का स्क्रीनशॉट था जो आपको 100 पेजेस के बुक में लिखना है, और आज आपको शुरू करना है, आपकी 400 पेजेस की शुरुआत हो जाएगी। 400 पेजेस की नोटबुक में आज आपको क्या लिखना है ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये लेक्चर क्या वीडियो कट करने के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, लाइव वाले कंटिन्यूएशन में रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको क्या करना है ये पहले समझ लीजिए कि इंडेक्स बना लीजिए पहले। तो अभी चैप्टर नंबर 2 का इंडेक्स 400 पेजेस के बुक में आ जाइए, पूरा डिटेल में आपको पता ही रहता है कि हमें करना क्या है। सबसे पहला पेज जो वहां पे होगा, जहां पे सबसे पहला पेज होगा, बहुत बड़ा पेज होगा आपका, वहां पे चैप्टर नंबर, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1, तो उसको तो नहीं है कुछ भी, जो भी नाम होगा पर्टिकुलर्स और उसके पेज नंबर्स, बस इतना ही आपको रखना है। अभी ये तो फर्स्ट चैप्टर तो आपका 400 पेजेस में है नहीं, इधर लिख देना पर्टिकुलर्स में रेफर 100 पेजेस बुक। चैप्टर नंबर 2 नाम लिख दो एंड पेज नंबर आपका रहेगा फर्स्ट पेज से, अभी जितने भी पेज नंबर रहेंगे वो यहाँ पे लगने वाले हैं। अभी ये आपका 2 पेजेस का ऐसा स्टार्टिंग में बना के रखो, ये आपका इनिशियल है। नोटबुक के ऊपर आपका नेम वगैरह जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे आपका ये 400 पेजेस के बुक में ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट, अभी ये हुआ मेन इंडेक्स। अभी चैप्टर नंबर 1 तो नहीं है, तो चैप्टर 2 नाम लिख के इसका इनर इंडेक्स बनाओ। इसका इनर इंडेक्स, इनर इंडेक्स कैसे रहेगा? इलू नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर, रिमार्क्स, रिमार्क्स कॉलम बड़ा होगा एंड कैटेगरी, ये इनर इंडेक्स है। ये हर चैप्टर का रहने वाला है, हर चैप्टर का इंडेक्स। सिंपल जी बना के होने के बाद डन बोल देना। 400 के पेजेस नोटबुक ओपन है आपकी, यस, पहला ही पेज है आपका ये, पेज नंबर 1, और डेट भी डाल देना उसको जहां पे पेज नंबर होगा और डेट लिखा होगा। नोटबुक कंसिस्टेंटली अच्छी बनाओ, आपको भी पता है नोटबुक का फायदा एंड में कितना इंपॉर्टेंट है। होने के बाद डन बोल दो। ड्रॉ होने के बाद और टॉपिक का नाम वगैरह होने के बाद, इसीलिए आपको अकेली को जूम पे लिया हुआ है कि आपसे मुझे ये समझ में आएगा। ड्रॉ होने के बाद मैं एक 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा देके हर स्टूडेंट इसी तरीके से लिखेगा। जो भी YouTube पे देख रहे हैं वो बच्चे भी डन करके लिख दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए।
ओके चैप्टर का नाम भी लिख दिया। ये चैप्टर का नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके सबने डन लिख दिया है। अभी इसके अंदर मैं शुरू करूंगा इलू वन से। इलू वन और जो मेरा पेज नंबर है 2.2 सॉरी पेज नंबर है 2.7। ओके सॉल्व किया आपने या आया या नहीं आया? ओके नो प्रॉब्लम। अभी ये मैं इलस्ट्रेशन वन आपके लिए सॉल्व करवा रहा हूं, पर थोड़ी बहुत तो आइडिया आ गई होंगी ये क्वेश्चन क्या है। जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, मैं आपको आशा करता हूँ कि आप लोग ये पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे, उसके बाद ये लेक्चर देख रहे हो तो पॉज कर लो, बाहर आ जाओ और फिर बाद में वापस से शुरू करो। एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं समझा तो मैं बता नहीं वाला हूँ, डोंट वरी। चलिए ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2001 इज गिवन बिलो। कैपिटल अकाउंट पी एंड एल 10% लोन एंड ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्टॉक ट्रेड रिसिवेबल डेफर्ड एक्सपेंडिचर। हालांकि ये मुझे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हटाना पड़ेगा क्योंकि डेफर्ड एक्सपेंडिचर नाम की कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, पर फिर भी पहले डेफर्ड एक्सपेंसेस ये दिखाए जाते थे एसेट साइड पे, अभी ये नहीं दिखाए जाते और इसको इसीलिए बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस, इंटेंजिबल नहीं, फिक्टिशियस। जो एसेट साइड पे दिखा रहा है पर वो एसेट है ही नहीं, इनटेंजिबल भी नहीं है। ओके मतलब गुमराह किया है यहां पे रिकॉर्ड करके, हालांकि ये रिकॉर्ड करना चाहिए था पी एंड एल में, पर रिकॉर्ड किया डेफर्ड एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट 10,000। आयशा जी बहुत मस्त हिंदी बोलने लग गई, नहीं आया ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने, अरे वाह हिंदी सीख गई। बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर 31 मार्च पे द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 ईयर्स। द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ द एसेट इज इवन। अभी देखिए मैं यहां पे ही दो पार्ट लिखता हूं, कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट एंड एनआरवी, एंड हियर ऑल्सो आई विल राइट कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके सो हियर व्हाई आई एम राइटिंग दिस, डोंट राइट इफ यू डू नॉट हैव हार्ड कॉपी, इट्स ओके, इट्स ओके यू डू नॉट हैव हार्ड कॉपी। जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट के मटेरियल आपके आ जाएंगे तो आप फिर बाद में उसके ऊपर लिख सकते हो, अदरवाइज टेक प्रिंटआउट्स, अदरवाइज टेक प्रिंटआउट्स। कॉस्ट एंड एनआरवी ये आपको इसके ऊपर लिखना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यू आर गोइंग टू राइट, इट इज यू नो फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो 65,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, सो 13,000 आएगा। कितना आएगा? से यस और नो, 13,000। सो आई विल डिडक्ट 13,000 इफ आई एम फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इफ आई एम फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आई विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट? ओके यदि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम किया मीन्स यू आर गोइंग टू रन योर बिजनेस इन द फ्यूचर, यू आर गोइंग टू रन योर बिजनेस इन द फ्यूचर, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एंड वेन यू आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न यू विल रिकॉर्ड यूर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट कॉस्ट। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट? एंड इफ यू आर नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न यू विल फॉलो
यू आर गोइंग टू सेल योर बिजनेस देन यू शुड रिकॉर्ड इट एट NRV. ओके, सो हम लोग यदि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो हम लोग NRV पे रिकॉर्ड करेंगे. इजी छे? से यस और नो. इजी. ओके, तो मुझे एक बात बताइए, 65,000 के माइनस 13,000 मींस यू विल रिकॉर्ड इट एट 52,000. बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न तो दिस इज 60,000. ओके, सो डेप्रिसिएशन विल बी 5,000. तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 5,000. एंड फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 13,000. यू गॉट दिस? डेप्रिसिएशन ए केस में 13,000, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज फॉलोड, एंड 5,000 इन केस ऑफ बी, मीन्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड. ओके, ट्रेडर परचेस एंड सेल्स कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. इधर रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फोर ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड. ए एंड बी सेम ही रिकॉर्ड होगा, परचेस सेल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करो या मत फॉलो करो तो भी सेम रिकॉर्ड होगा. करेक्ट है? नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, कॉस्ट एंड NRV. तो कॉस्ट कौन से केस में फॉलो करेंगे? ए केस में 32,000 एंड 40,000. ओके, दिस इज इन केस ऑफ ए, दिस इज इन केस ऑफ बी. एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 10% लोन का इंटरेस्ट 3,500 इंक्लूडिंग, इट इज 14,900. नाउ टेल मी, 14,900 एक्सपेंसेस विल बी सेम इन केस ऑफ ए एंड बी और डिफरेंट? सेम. डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस इज एमोर्टाइज इक्वली ओवर 4 years. अभी मैं इसमें मॉड्यूल में चेंज करवाऊंगा, मुझे सिर्फ ये आप डिंपल जी प्लीज बाद में भेज देना, इंस्टेड ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस है ना, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर दीजिए. क्या कर दीजिए उसको? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. इट इज अलाउड टू शो ऑन द एसेट साइड, रिसर्च अलाउड नहीं है, डेवलपमेंट अलाउड है, जो मैं आपको S26 में पढ़ाऊंगा. ओके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउड. सो ट्रेड रिसीवेबल, नाउ टेल मी, सॉरी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज डेफर्ड ओवर 4 years, मतलब 10,000 में से कितना माइनस होगा? 2,500 जो P&L में जाएगा. करेक्ट है? सो यू लेफ्ट विथ 7,500. बट इफ यू आर गोइंग टू क्लोज योर कंपनी तो इट विल बी जीरो. तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जीरो इन केस ऑफ केस टू, NRV के केस में. यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? ओके, सो P&L में कितना आएगा फिर? P&L में 2,500 इन ए केस, बी केस 10,000, पूरा P&L में चला जाएगा. यस, एसेट साइड पे जीरो दिखेगा तो पूरा का पूरा P&L में चला जाएगा, तो P&L में पूरा 10,000. ओके, ओके, ट्रेड रिसीवेबल 25,000 ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल एंड कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाइड टू कस्टमर. अभी हम लोग कंपनी बंद करने वाले हैं, कंपनी बंद करने वाले, तो सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन होगा क्या? यस, सो ट्रेड रिसीवेबल हियर इट इज 23,000. हियर इट इज 23,000. व्हाई? बिकॉज 2,000 इज डाउटफुल ना, 25 माइनस 2. एंड इन बी केस तो ए केस में हुआ 23,000 एंड बी केस में कितना हुआ? 25 माइनस 2 माइनस 4 19,000. तो बी केस में हुआ 19,000. आप ही मुझे बताइए, इजी था या डिफिकल्ट था? तो आपने ऐसा बोल दिया कि इतना डिफिकल्ट लगा आपको. ओके, अभी इजी लग रहा है एकदम?
क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000, लाइन बाय लाइन जाना है. सो क्लोजिंग ट्रेड पेबल 12,000, बट इफ यू नाउ इफ यू आर गोइंग टू क्लोज योर बिजनेस सो यू आर गोइंग टू सेट इट इमीडिएटली, से येस और नो. तो 12,000 को 5% से हम लोग इधर माइनस कर देंगे, तो यू लेफ्ट विथ 11,400 एंड पी एंड एल में कितना जाएगा? ए केस में 0 बट बी केस में 600, बी केस में 600 एंड यहां पे रह गया पी एंड एल में, पी एंड एल में ए केस में 2,000 एंड बी केस में 6,000, सही है और नो? कैश बैलेंस 37,100, बोथ केस में सेम ही होगा. कैश बैलेंस लिखने से अच्छा है बैंक बैलेंस कर दीजिए उसको, ये भी मिस्टेक मुझे भेज दीजिए, बैंक बैलेंस. देयर इज अर्ली रिपेमेंट पेनल्टी फॉर लोन 2,500. सो लोन विल बी 35,000 ओनली, से येस और नो? हाँ, बट इन सेकंड केस यू आर गोइंग टू सेटल इट, एंड इफ यू सेटल इट अर्ली तो यू विल पे 2,500 पेनल्टी. सो वॉट इज योर लाइबिलिटी इन दैट केस? 37,500, करेक्ट है इन सेकंड केस, से येस और नो? नाउ हियर यूअर लॉस ना, तो पी एंड एल में 0 इन केस ऑफ ए, बट बी केस में इट विल बी 2,500 एक्स्ट्रा यू आर पेइंग, सो इट्स योर लॉस. सो 2,500 इज यूर एनआरवी के केस. ओके, इजी, ठीक है. डेफर एक्सपेंस एंड लोन पेनल्टी, देन वॉट एवर द नेट प्रॉफिट यू विल कैलकुलेट, यू विल एड इट इन द लास्ट ईयर पी एंड एल. लास्ट ईयर के पी एंड एल में आपको ऐड करना है उसको, या यू कैन टेक इट एज अ बैलेंसिंग फिगर. पी एंड एल विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एंड कैपिटल अकाउंट विल बी सेम 60-60, यस और नो? और 25,000 प्लस 19,600 कितना होता है? 44,600, यस इट्स करेक्ट. ओके, इजी था क्वेश्चन? इजी था क्या? चलो लिखो, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, लाइन बाय लाइन जाते हैं. ओके, फॉर्मेट लिखो. इलू वन लिख दिया क्या नोटबुक में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना? 31st March 2002. पर्टिकुलर्स केस वन, चलो केस वन केस टू लिख दिया क्या आपने? ओके, एक 8 लाइंस का ड्रॉ कर लीजिए.
उसके बाद लिखो केस वन केस टू, दस बारह लाइन का ड्रॉ कर लीजिए, 12 लाइन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002, लाइबिलिटीज केस वन केस टू, एसेट्स केस वन केस टू। लिखा गया, ड्रॉ कीजिए। चलो ओवर, चलो स्टार्ट। क्या करेंगे अभी, हमने क्वेश्चन तो वैसे तो लिख लिया है, ओके लाइन बाय लाइन पहले बैलेंस शीट जो है वो वैसे के वैसे लिख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ये आपको समझ में आ ही जाएगा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। पहले बैलेंस शीट लिख लेते हैं, कैपिटल एक लाइन छोड़ो, पी एंड एल अकाउंट एक लाइन छोड़ो, 10% लोन एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेएबल। एसेट साइड पीपीई, इन्वेंटरी लिखो वहां पे, ट्रेड रिसीवेबल, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बैंक। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस बाय सेल्स, उन्होंने पी एंड एल अलग निकाला है, नहीं एक में ही लिखा हुआ है ना, हाँ जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाकी चीजें हम लोग लिखेंगे एक के नीचे एक, ओके चलो। सो फॉर्मेट बना लिया हमने, अभी लाइन बाय लाइन हम लोग सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन से कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन से कितना था पिछले साल का, 30,000, दैट विल बी सेम ना, 30,000, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी हम लोग क्वेश्चन टू आंसर जाएंगे। हाँ अभी मुझे एक बात बताओ, 52,000 13,000 डिप्रिसिएशन आएगा, तो इधर मैं टू डिप्रिसिएशन एक लाइन के बाद लिखता हूँ, चलो दो लाइन के बाद लिखता हूँ, चलो टू डेप्रिसिएशन थोड़ा नीचे लिखा, कितना लिखा, 13,000 एंड 5,000। इधर मैंने एक लाइन छोड़ा था, 65 माइनस 13, 52,000 और इधर डायरेक्टली 60,000। ओके नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया क्या, यस डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर और इधर बैलेंस शीट में ये भी ओवर। परचेस सेल्स चलो लिख दो दोनों में सेम, परचेस कितना लिखूं, 4 लैक्स, वेरी गुड, एंड सेल्स बोथ केस में सेम है, 4,50,000, सेकंड एडजस्टमेंट ओवर। थर्ड एडजस्टमेंट,
क्लोजिंग स्टॉक इधर भी लिखूंगा 32,000 एंड 40,000, इधर भी लिखूंगा 30,000 एंड 32,000 एंड 40,000। वेरी गुड, समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से, एकदम इजी लग रहा है। ओके नेक्स्ट एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के ऊपर लिख दू 14,900, 14,900। सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके डेफर्ड एक्सपेंसेस इक्वली ओवर 4 ईयर्स, इधर डेफर्ड एक्सपेंसेस के बदले में डेवलपमेंट एक्सपेंसेस लिखो, इधर भी चेंज करना है डेवलपमेंट एक्सपेंस। तो डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना, अच्छा इधर लिख दो, रेड पेन से लिख दो, इधर टू डेवलपमेंट एक्सपेंस रेड पेन से लिखो 2,500 एंड सेकंड केस में पूरा 10,000 ना। हाँ जी, और इधर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 10 माइनस 2.5 7,500 और जीरो, ठीक है ये भी आ गया सर। चलो ट्रेड रिसीवेबल इधर 25 माइनस 2 एंड 25 माइनस 2 माइनस 4, 23,000 एंड 19,000। ऊपर लिख देंगे टू आरडीडी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख सकते हो आप 2,000 एंड 6,000, करेक्ट है। ओके ये भी हो गया। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इधर नॉर्मल पेन से लिखो एंड 12,000 माइनस रेड पेन से लिखना 5%, 11 11,400 एंड एंड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 0, कितना ये 600 ना, 0,600 रेड पेन से लिखना। ओके नाउ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज 37, नॉर्मल पेन से लिखो 37,100 एंड देन 10% लोन इधर कितना था 35,000 और दूसरी जगह पे रेड पेन से लिखना 35 प्लस प्लस 2,500, 37,500 एंड रेड पेन से लिखना पेनल्टी 0 रेड पेन से ही एंड 2,500। इजी था। ओके कैपिटल लिख दो 60,000, एंड बैलेंसिंग फिगर ये पी एंड एल निकालो और इधर नेट प्रॉफिट निकालो नॉर्मल पेन से टू नेट प्रॉफिट। चलो निकालो, खुद करो अभी नेट प्रॉफिट, कैलसी पे लो, टेक अ टोटल, टेल मी द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट, खुद से करो फिर रेफर करो स्टडी मटेरियल में। इजी लगा सम, ये कितना आ रहा है देखो टोटल 4,82,000, 4,90,600, 2 रह गया क्या आपका, रेड पेन कैरी करना है कितनी बार बोला है 19,600,
सॉरी 25,000 प्लस 19.6 फिर भी बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो उसको आप लोग 44,600 चलो हो गया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर वन। इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स में लिखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। Followed, not followed. Followed होगा तो कौन से price पे record करोगे? Cost, नहीं तो net realizable value. Second point, important adjustments. A, development expenditure. B, penalty of loan. C, discount on creditors. और कुछ? चलो ठीक है, provision for doubtful debts. ये important adjustment. Category A. कैटेगरी ए कैटेगरी। ओके, अभी एक सिमिलर प्रॉब्लम है। आप आज आप लोग मुझे ग्रुप पे टाइमिंग दोनों के डालोगे प्रैक्टिस करके। सिमिलर प्रॉब्लम मैं नहीं लेने वाला हूं, अभी आपको लाइन बाय लाइन समझ में आया वो डायरेक्ट टाइम लगा के सॉल्व करना है आपको। सिमिलर प्रॉब्लम कौन सा है मैं बोल के रखता हूं आपको, टेस्ट योर नॉलेज में। ये क्वेश्चन देख के किसी की याद आ रही है क्या? देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बोथ से फॉलो करना है। उन्होंने नॉट गोइंग कंसर्न पूछा है, आपको दोनों से करना है, ठीक है? सो टीवाई के 10 इज योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझा था, नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट। मैंने इंडेक्स भी मेंटेन करके दे दिया है, इंटरेक्शन भी अच्छे से हुआ है। घर पे एक बार टाइम लगा के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं आपको, तुरंत सॉल्व करने हैं, और नोट्स भी लिखने हैं। 30 मिनट्स आपके नोट्स लिखने में जाएंगे, कितने स्क्रीनशॉट्स है टोटल। और मैं कल किसी की भी नोटबुक मांग लूंगा। आशा करता हूँ जो भी मेरे बच्चे आज YouTube पे लेक्चर देख रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इंडेक्स को एक ही पेज छोड़ना था, मैं भूल गया बताने का, दो पेजेस छोड़ना था। मैंने कमेंट पढ़ा नहीं, सॉरी, दो पेजेस छोड़ दिए रहे थे, ठीक है, दो पेजेस। आपने कितने पेजेस छोड़े इंडेक्स के? 3 पेजेस, ज़्यादा छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, पूछना चाहिए था आपने। एंड 2 पेजेस महिमा, 2 पेजेस छोड़ने थे आपको इंडेक्स के पहले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बिफोर स्टार्टिंग टूडे सेशन, फर्स्ट हमार रोल क्या है हमारा, कि सबसे पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बोल के बताऊंगा। एक ही मिनट, लाइट लगा था एक सामने का। हाँ जी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो हमारा रोज का यही काम होगा। आई होप एवरीवन नोज नाउ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिया जी, यस बेटा, गुड इवनिंग टू यू। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले हम लोग याद कर लेंगे, उसके बाद ही हमारा सेशन चालू होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कैमरा कैमरा को क्या हो गया सर जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, यस अभी हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिक्स नहीं है, सेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एट नहीं है, नाइन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेन इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट था पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नाउ, इलेवन इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट, ट्वेल्व इज गवर्नमेंट ग्रांट, थर्टीन इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, फोर्टीन इज अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, फिफ्टीन एम्प्लॉय बेनिफिट, सिक्सटीन इज बोरिंग कॉस्ट, सेवनटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 19 अर्निंग पर शेयर, 20 इज सॉरी 19 इज अकाउंटिंग फॉर लीजेस, 20 इज अर्निंग पर शेयर, 21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22 टैक्सेस ऑन इनकम, 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, देन यू हैव 24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 26 इंटैंजिबल एसेट, 27 इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर्स, 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड 29 इज प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। तो एटलीस्ट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस तो पता होनी चाहिए सबको। यस, और अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद आ गए हैं तो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी स्टार्टेड विद द इलस्ट्रेशन नंबर वन और एक होमवर्क में था शायद से, तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर टू। और यहाँ पे ये तमन्ना पाटिल ने अपना वापस से नोट्स को रिवाइज किया है। यू कैन सी हियर टुडे 9 नंबर इज अ पेज नंबर और डेट थी 23 अगस्त। कल की पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क टू असिस्ट, बहुत बढ़िया, स्टेटस एंड स्कोप, फ्रेमवर्क जस्ट जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यूजर्स क्या है एंड उसके बाद फंडामेंटल अजम्पशंस। 400 पेजेस बुक में मैंने लिखने को बोला था, इलस्ट्रेशन वन यू कैन चेक हियर, पेज नंबर 2.7, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलोड तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नॉट फॉलोड तो एनआरवी। ये 400 पेजेस के बुक का स्कैन कॉपी है। कैटेगरी ए कैटेगरी का क्वेश्चन था और आपको लिखने को बोला था मैंने दो इलस्ट्रेशन, एक टीवाई के वन था, टीवाई के आई डोंट नो एग्जैक्टली 10, ओके, एंड इलस्ट्रेशन वन द रेड पेन बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। यू कैन सी हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। आई डोंट नो ब्लैक पेन छोड़ के ब्लू पेन क्यों यूज किया गया है तमन्ना से, पर ठीक है। अभी बैलेंस शीट जो ब्लैक पेन ही यूज करना है एग्जाम में, मैंडेटरी यू टू यूज ब्लैक पेन। एंड सेकेंड इलस्ट्रेशन जो था वो टीवाई के नंबर 10 था। होमवर्क चेक कर लो जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक 36,000, 36,000, केस वन केस टू दोनों तरीके से सॉल्व किया है। परचेसेस इज गिवन, जनरल एक्सपेंसेस 16,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 0 एंड 4,000। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये करेक्ट है क्या नहीं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सर आंसर करेक्ट है कि नहीं। डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, पेनल्टीज एंड नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ट्रेड पेएबल्स। यस साक्षी जी, ये आंसर करेक्ट है या नहीं? यस वानिता, ओके वानी ठाकुर जी पूछ रही है कि सर मैं मई 24 में ये एग्जाम देना चाहती हूँ, तो मैं मेरा ये पहला लाइव सेशन है। यस यू कैन अटेंड दिस सेशंस, तो आप पहले के सेशंस पहले अटेंड कर लीजिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वानी जी, ये सेशन सिर्फ 8 या 10 दिनों के लिए रहने वाले हैं, तो उसके बाद आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑन जूम। और रिकॉर्डेड लेना रहेगा तो फिर बैच का अमाउंट भी अलग होगा, रिकॉर्डेड के लिए प्राइस अलग रहेगी, और आपको जूम पे आना है और मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स देने हैं तो आपको प्राइस अलग रहेगी। मेरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको मैं सिर्फ बता के रखता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर है हम लोगों का 7887878740, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच के साथ अपना एसोसिएशन ले सकते हो, मतलब आपको संकेत सर के लेक्चर्स वहाँ पे सभी मिल जाएंगे। कॉस्ट ये वहाँ पे आपको फोन करके पूछने के बाद यू विल गेट दिस कॉस्ट। और यहाँ पे आप लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे, जैसे साक्षी अभी आपको दिख रही है जूम पे, जिसका आवाज़ आपको बैकग्राउंड में से आता रहेगा, तो बाद में ये लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं रहने वाले हैं, यहाँ पे रिविजन्स यस डेफिनेटली यूट्यूब पे रहेगी, और कॉस्टिंग और एफएम भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो
ये था हमारा आज का सेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा होमवर्क था ये, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट था, पी एंड एल अकाउंट, 10% लोन, ट्रेड पेबल, पीपी, स्टॉक, ट्रेड रिसिवेबल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड बैंक। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली है 136,500 एंड 137,700 पे, केस 1 137,700, 136,500 पे टैली है। तो अकॉर्डिंग टू मी बैंक इज अ बैलेंसिंग फिगर, ऐसा दिख रहा है। दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? ओके ओके ओके, चलिए। सो पहले के 3 सेशंस आपको देख लेने हैं, जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं। और प्लीज 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 कृपा करके एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए, एक लेक्चर भी मिस मत कीजिए। आपको जूम का पूरा फायदा उठाइए यदि आपने एडमिशन लिया हुआ है तो, क्योंकि घर पे फिर अपने पास कंट्रोल नहीं रहता है और घर से पढ़ाई भी अच्छे से होती है, पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खुद पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। चलिए, सो अभी आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आगे का पार्ट, कल मैंने आपको कहाँ पे छोड़ दिया था बेटा, कुछ याद होगा आपको, स्क्रीन शॉट्स कहाँ पे छोड़ दिए थे? तो मेरे पास है ही, मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ? ओके, यस, फंडामेंटल एजम्पशंस यूजर्स तो हो गया था शायद से। ओके यूजर्स पूरे हो गए थे ना? हाँ जी, ओके। गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड एक्रुअल, सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विथ गोइंग कंसर्न। ओके, तो डेली बेसिस पे जूम पे मेरे साथ इंटरेक्शन करने के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे रोज के रोज। कल की लिंक जिसको भेजी जाएगी, तो बेटा आशीष कल मेरे साथ रहेगा जूम के लिंक के लिए। आपको बाकी कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट्स के बारे में बोलना है। आशीष तो बिल्कुल भी डरना मना है, क्योंकि आशीष को थोड़ा सा डर लगता है कि संकेत सर कुछ डांट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डांटना आपके सेहत के लिए अच्छा है। गोइंग कंसर्न, यस, गोइंग कंसर्न क्या होता है इतना याद रखो, एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन द ऑपरेशन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर एंड नो इंटेंशन टू करटेल द स्केल ऑफ ऑपरेशन, मीन्स यू आर गोइंग टू कंटिन्यू अ बिजनेस इन द फ्यूचर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू अ बिजनेस इन द फ्यूचर, नाउ यू आर अवेयर आफ्टर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड, एंड इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज फॉलोड वी विल रिकॉर्ड इट एट एसेट कॉस्ट पे और लाइबिलिटीज ऑल्सो एट दैट वैल्यू। बहुत ही सिंपल था, यस। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यस, एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोर्सेबल फ्यूचर एंड नो इंटेंशन टू करटेल इट द स्केल ऑफ ऑपरेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यस, तो गोइंग कंसर्न के बारे में 100 पेजेस के बुक में फटाफट साक्षी लिख लेना, वट इज गोइंग कंसर्न। आज पहले ये लिख लो, तो अभी इसके स्क्रीनशॉट्स मत निकालते बैठ, फर्स्ट राइट डाउन गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न एंड इट्स डेफिनेशन, मीनिंग एजम्पशन दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। 100 पेजेस के बुक आपकी कंप्लीट है बेटा साक्षी? ओके, वेरी गुड। गोइंग कंसर्न लिख लो फटाफट बेटा। हंड्रेड पेजेस के बुक में एजम्पशंस दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोर्सेबल फ्यूचर एंड नो इंटेंशन टू कर्टेल इट्स स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस। इट्स वेरी सिंपल, ओवर, डन। सेकंड वन, एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग टू एस वन, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज वेन दे आर अर्न एंड इनकर्ड। रेवेन्यू जब हम लोग अर्न करते हैं और इनकर करते हैं, एंड एज नॉट वेन मनी रिसीव्ड और पेड, इसीलिए वी पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। कितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है बेटा? 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है साक्षी। एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री क्या होगी बेटा?
वेरी गुड बेटा. एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बेटा. वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे दैट वी आर पेइंग इट नाउ. तो हो गया, लिखो जल्दी से. एडजस्टमेंट एंट्रीज, एक्रुअल, पहले एक्रुअल लिखो बेटा, चलो मेरे साथ. यस, वेरी गुड डिंपल. फंडामेंटल एजम्पशंस लिखो पहले, उसमें सेकंड वन इज एक्रुअल. ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक ही मिनट बेटा. ओके ठीक है, एक ही मिनट बेटा, कुछ तो दिक्कत आ रहा है. ओके एक ही मिनट ना, ये कुछ तो दिक्कत हो गया. ओके, सो कंसिस्टेंसी नाउ, इट्स अ लास्ट वन. व्हेन वंस यू अडॉप्टेड द पॉलिसी यू शुड नॉट चेंज इट. अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट और बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलो, सो कंसिस्टेंसी इज अ लास्ट पार्ट, कंसिस्टेंसी इज अ लास्ट पार्ट. अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट. ये लाइन हमने पढ़ी हुई है क्या फाउंडेशन में बेटा? यस. बेटा चलिए, आज के सेशन में मैं थोड़ा सा ही दिखूंगा आपको, बहुत ब्लैकिश दिख रहा है, बहुत ब्लैकिश. सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने कैसे चाहिए. तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड में ये आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अपने को समझ में आने चाहिए कि क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट पी एंड एल. रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो. तो बड़ा एक एक साक्षी आपने ये देखा होगा, तो शादी के बाद एक लड़का एक लड़की से
या हस्बैंड अपने वाइफ से जो चाहता है वही चीज़ें हैं, वैसे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। तो साक्षी तेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे, अंडरस्टैंडल भी रहेगा, रिलेवेंट भी रहेगा। रिलेवेंट नहीं आ हो सकता है, रिलेवेंट कैसे होगा हस्बैंड, हाँ पर रिलायबल भरोसेमंद हो सकता है। एंड कंपेरिजन किया तो वो हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए बाकी के कंपेरिजन में, बराबर है साक्षी? याद रहेगा अंडरस्टैंडेबल, रिलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबिलिटी। यस, चलो लिख लीजिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 पेजेस की बुक में, आज 100 पेजेस की बुक हम लोग साइड बाय साइड ही मेंटेन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा जो छोटी छोटी चीजें आज मैं मेंटेन ही करके दे रहा हूँ आपको घर पे लिखने से अच्छा है आज हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से लिखना, मुझे डन बोल देना जैसे आपका लिख के हो जाएगा। अच्छे से लिख रही है ना बेटा प्रॉपरली? कल मैं रमन जी आपको बुलाने वाला हूँ, तो कल रमन का नंबर रहेगा, ओके 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 ओके। रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंडेबल मतलब बाय द यूजर्स विद द रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट ये लिखना नहीं है, रिलेवेंट मतलब क्या? इट इज नॉट राइट टू थिंक दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी हानिकारक हो सकती है। अ मास ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड कैन बी इवन मोर हार्मफुल देन नॉन डिस्क्लोजर। सो आपने रिलेवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी टाइमलीनेस होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए कॉस्ट और बेनिफिट, ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए, कॉस्टली भी नहीं होनी चाहिए। रिलायबल मतलब जिसके ऊपर भरोसा रखोगे, टू बी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट इज टू से दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर। अभी मटेरियल एरर का मीनिंग क्या होता है? मटेरियल एरर मतलब जहाँ पे मिस्टेक्स, छोटे छोटे एरर्स तो बड़ा वो चल जाएंगे, पर बड़े एरर्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर फ्री होने चाहिए, मटेरियल एरर नहीं, और बायस भी नहीं होने चाहिए। बायस मतलब किसी एक की साइड लेने वाले। इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल ओनली व्हेन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिपोर्टेड आर फेथफुली रिप्रेजेंटेड। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एंड द इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड प्रूडेंस इज एक्सरसाइज। कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड परमिट द इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। वन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी, मैं नहीं भी दिखा तो भी चलेगा ना साक्षी आज के दिन आपको, मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बहुत ही वो ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्योंकि लाइट्स ना होने की वजह से, फिर भी बीच बीच में मैं आपको ऐसा लगना चाहिए लेक्चर के बीच में सर आए हुए हैं। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू फ्रेमवर्क डज नॉट डील डायरेक्टली विथ हिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रोप्रिएशन एज अ रिजल्ट इन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये नॉर्मली एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर इक्विटी एंड इनकम ऐसा होता है। एसेट मतलब जो एसेट इज, अभी आपको ये समझ में आएगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी एसेट की डेफिनेशन बेटा एक बार हमारे बुक में रहने दीजिए। एसेट्स का मतलब क्या होता है? कल ही मैंने बताया था कंट्रोल करना एक जरूरत है, कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज, ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। कंट्रोल कैसे आएगा? पास्ट इवेंट में आपने कुछ तो खरीदा होगा फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी डिराइव्ड। तो ये एसेट की डेफिनेशन है, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, पास्ट में मैंने ये खरीदा हुआ चाहिए और फ्यूचर में मैं इसका बेनिफिट लेना चाहिए टू द फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड इट निड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस। मतलब जरूरी नहीं है इंटेंजिबल एसेट्स और मॉनिटरी एसेट्स भी हो सकती है, फिजिकल सब्सटेंस में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। तो इंटेंजिबल मतलब एसेट्स को आप देख भी सकोगे ऐसा जरूरी नहीं है, इंटेंजिबल भी हो सकती है एसेट, मे नॉट बी ओन्ड बट इट इज कंट्रोल्ड, मतलब फाइनेंस लीज है,
नॉट रिकॉग्नाइज इफ कंट्रोल इज नॉट सफिशियंट, कंट्रोल ही नहीं है एसेट का तो मत कीजिए, एंड प्रोबेबल मतलब, प्रोबेबल मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है, पॉसिबल नहीं, 50% से ज्यादा चांसेस होने को बोलते हैं प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या, मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में होऊंगा ये चांसेस प्रोबेबल है, मतलब मैंने उतनी पढ़ाई की है कि 50% से ज्यादा चांसेस है मैं पास ही हो जाऊंगा। पॉसिबल यार, पढ़ाई नहीं की, हो सकता है मैं निकल जाऊं, तो ये सब पॉसिबल। प्रोबेबल मतलब श्योरिटी बताता है, पॉसिबल श्योरिटी नहीं होती है। तो समझ में आया बेटा साक्षी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबल एंड पॉसिबल? प्रोबेबल मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ये मैं पूरा लिख के नहीं दूंगा। कॉस्ट और वैल्यू कैन बी मेजर रिलायबली, तो यहां पे आपको आज का स्क्रीनशॉट नंबर वन है, एसेट की डेफिनेशन अभी शुरू हो गया आपके स्क्रीनशॉट्स, जहां पे आपके 100 पेजेस के नोटबुक में आपको ये अच्छे से लिखना है। रिकॉग्निशन मतलब एसेट को कब रिकॉर्ड करोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। ग्रुप में डालना है आपको फिर बाद में स्क्रीनशॉट सभी। तो ये था हमारा एसेट का डेफिनेशन। एसेट के डेफिनेशन के बाद आता हूं मैं लाइबिलिटी के डेफिनेशन के टूवर्ड्स। लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या बताती है? इट्स अ ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन है आपका, ये याद रखो, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों? क्योंकि आपको, आपने लोन लिया था पास्ट में, तो वो लोन अमाउंट लिया था, अभी ये आपका ऑब्लिगेशन बताता है। एंड सेटलमेंट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो। जब आप सेटलमेंट करोगे तो आपका पैसा जेब से जाने वाला है। जब पैसा जेब से जाने वाला रहता है तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। जब पैसा जेब में आने वाला होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है, तो उसको हम लोग एसेट बुलाते हैं। सो लाइबिलिटी में क्या होगा? आउटफ्लो होने वाला है। आउटफ्लो में क्या होगा? आउटफ्लो मतलब लाइबिलिटी। ओके, एंड रिकॉग्निशन क्या करोगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। सर्टन प्रोविजंस लाइक डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, लॉसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी। मतलब आपको नाम में प्रोविजन है पर वो प्रोविजंस मतलब लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट के अगेंस्ट के प्रोविजन है। समझ में आया? एंड यस, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, आउटफ्लो होने वाला है। इन शॉर्ट नंबर टू, इन शॉर्ट नंबर टू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, यस, इक्विटी, सॉरी, एक्सपेंसेस के पहले इक्विटी। इक्विटी मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इतना ही याद रखो, बस इतना ही लिखो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्विटी लिख लो। इक्विटी स्क्रीनशॉट नंबर थ्री लिख लो, नहीं सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके सर, खत्म सर। इक्विटी मतलब जो ओनर्स का कंट्रीब्यूशन है। इनकम, इनकम का मीनिंग क्या होता है बेटा? इनकम मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज। मतलब यहाँ पे आपके इनफ्लोज होने वाले हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। और एनहांसमेंट ऑफ एसेट, आप लोग बोल सकते हो एसेट्स बढ़ गए, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी जो है ना, ये इक्विटी में चेंज होने वाला है, ये एक टाइप का इनकम ही है। एसेट्स बढ़ना और लाइबिलिटी कम होना, ये भी एक टाइप का इनकम ही है, ये याद रखो। अच्छा, और डेफिनेशन ऑफ इनकम इज रेवेन्यू और गेन, दोनों भी हो सकता है। गेन दो टाइप के गेन होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में भी आ सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आ सकता है। अभी आप रोज तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बेचोगे, तो गेन जो है ना वो अलग से आपको बताना है, इज शोन सेपरेटली। ऐसे टाइप के गेन जो है वो सेपरेटली बताने हैं। ओके, सो ये नोटबुक में रहने दीजिए, मीनिंग ऑफ गेम इनकम ऑल्सो। हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ भरोसा नहीं, एक एक मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए इनकम का डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट नंबर फोर, स्क्रीनशॉट नंबर फोर, यस। नो प्रॉब्लम बेटा वाणी ठाकुर जी, इट्स ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, हो गया बेटा। एक्सपेंसेस, हाँ जी, एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो आपके जेब में से जाने वाला है। सो एग्जैक्टली उल्टा डेफिनेशन है, लॉसेस भी उसमें आते हैं और इसको भी सेपरेटली बताया जाएगा। सो इनकम के एग्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट नंबर कितना था बेटा? तो जितने भी बच्चे वो पॉज करके लिख सकते हो। यस,
सो ये वीडियो में हमने क्या क्या देखा बेटा, क्वालिटी टू कैरेक्टर, एक तो फंडामेंटल एजम्पशंस देखे, क्वालिटी टू कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे। आई होप आपको एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंसेस की टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आई। टेक्निकल डेफिनेशन, एसेट ओनरशिप होनी नहीं चाहिए तो कंट्रोल होना चाहिए, लाइबिलिटी में आपको सेटलमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशन करना होता है, आउटफ्लो होगा, इक्विटी एसेट माइनस लाइबिलिटी होगा इनकम मतलब जिसमें से आप पैसा कमाने वाले हो, एंड एक्सपेंसेस मतलब जिसमें आउटफ्लो होने वाला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो होने वाला रहेगा तो इनकम, एंड आउटफ्लो होने वाला रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंसेस। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा होगा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर टू, एंड आई होप जितने भी रिकॉर्डिंग में बच्चे देख रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन नहीं समझा होगा, क्योंकि जूम पे जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से किसी को भी समझा नहीं है। अ ट्रेडर कमेंस अ बिजनेस ऑन 1/1/2001 विद 12,000। देखो, अ ट्रेडर ने कमेंस किया बिजनेस विथ ₹12,000 रिप्रेजेंटेड बाय ₹6,000 यूनिट्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट, 6,000 यूनिट्स एट ₹2 पर यूनिट। देखो, तो हिज कैपिटल इज 6,000 यूनिट्स इनटू ₹2। ड्यूरिंग द ईयर 2001 ही सोल्ड दिस यूनिट्स एट ₹3 पर यूनिट एंड ही विड्रॉन 6,000। लेट्स एज्यूम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द ईयर एंड इज 2.5। In other words, the specific index is applicable ₹125. You are required to calculate capital maintenance at historical cost, current purchasing power and physical capital maintenance. देखिए, एकदम सिंपल equation। चलो पहले समझ लीजिए पूरा। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, राइट डाउन विथ मी इन योर 400 पेजेस बुक। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस नंबर वन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट डाउन। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशन, रुपीस। रोमन वन, ओपनिंग इक्विटी, opening equity. Now tell me, you invested 6,000 units at ₹2 per unit, correct hai? So 6,000 units into ₹2, 12,000. Now he sold these units at ₹3 per unit. So closing equity, he sold units, so he has now ₹3 per unit. So he has 18,000. Correct? So how much he can maximum draw? Maximum drawings. Roman 2 minus Roman 1. Very good, 6,000. Roman 4, what is the amount that he withdrawn? Is given in the question. He withdrawn 6,000. Correct? So tell me, what is the retained profit? Zero, nothing is retained. So this is at historical cost. Now you get the answer. Check the answer. Retained profit zero. Yes. Simple a pro forma, Dimple ji. Aisha, it's simple.
इट्स वेरी सिंपल सर, नथिंग इज डिफिकल्ट। यू डू नॉट हैव क्वेश्चन? ओके, नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस, वेरी सिंपल। नाउ विल डू, ओके ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। यस ओवर, समझना हो गया बेटा लिख के? चलो नाउ एट हिस्टोरिकल वी हैव कंप्लीटेड, नाउ सी इफ इट इज एट करंट परचेसिंग पावर रोमन टू। जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन यू कैन कॉपी करंट परचेसिंग पावर। नाउ व्हाट इज द करंट परचेसिंग पावर? प्रोडक्ट एट द ईयर एंड इज रुपीज 2.5, 125 इज गिवन एंड दैट इज द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वेट एंड ओपनिंग इक्विटी। ओपनिंग इक्विटी इज करंट परचेसिंग पावर इज गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सी इन द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स एप्लीकेबल इज 125। नाउ हाउ इट इज कैलकुलेटेड 125? 125% इंटू 2 रुपीज। सो व्हाट इज द आंसर? 2.5. So this is the specific index. This is the specific index. Whenever this is specific index, this is helpful for physical capital maintenance. This is helpful while physical capital maintenance. This price. And करंट कॉस्ट, ये तो पूरा डिटेल में क्यों दिया है ये मुझे पता नहीं। ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन ना। इतना परसेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। सर शायद वो 2.4 रुपीज पर यूनिट, तो एग्जांपल में वैसा ही करना है। वेयर वेयर बेटा? एग्जांपल 9 देखो ना सर, ऊपर जाओ ऊपर। हाँ एग्जांपल 9 में देखो, वहाँ पे 2.4 रुपीस पर यूनिट। इधर गलत हो गया है आईसीआई का। तो राइट डाउन इन द क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। एक स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स ये कट करना है। If write down, if current cost is rupees 2.4 per unit, write down question में change करना पड़ेगा। If current cost is rupees 2.4 per unit and average price indices. Average price indices. Now see the chart. Average price indices and specific price indices. On an average, if your price indices is 120%, 120% is average price indices. Okay. So write down
करंट कॉस्ट कब यूज होगा? राइट डाउन इज 120%, राइट पेन से लिखेंगे, एवरेज प्राइस इंडाइसेस, सो हियर आई विल कंसीडर 6000 इंटू 2 इंटू 120%, तो कितना आया ये 14400, एंड दिस इज 3600, तो रिटेन प्रॉफिट इज 2400 निगेटिव, रिटेन प्रॉफिट इज 2400. नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट. करंट परचेसिंग पावर में यू हैव टू यूज एवरेज प्राइस इंडाइसेस एंड इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है इलस्ट्रेशन 2, सो यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर. एक्चुअली दे शुड मेंशन दैट एवरेज प्राइस इंडाइसेस इज 120% एंड स्पेसिफिक प्राइस इंडाइसेस इज 125%. लिख लो सेकंड आंसर. डिंपल समझ में आया क्या? Is given in the question that average price indices will be 120%. Is given in the question. Okay, in exam they will give you. ये दिया जाएगा exam में, don't worry. So average price indices किस लिए use करना है? Current purchasing power के लिए. Okay? देखो, होने के बाद done बोल देना. Red pen से लिखना. Two. क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, मैं चेंज करवा दूंगा, डोंट वरी. पर पिछले टाइम भी मैंने कुछ चेंजेस बोले थे, आपने दिए नहीं करके मुझे समझना. चैप्टर 1 में भी गलतियां थी, चैप्टर 2 में भी गलतियां है, सो राइट डाउन. हाँ जी बेटा. हाँ जी. मतलब आ गया क्या तुम्हारा मॉड्यूल? ओके ओके ओके, ठीक है ना. अच्छा, देखना पड़ेगा क्या हुआ है, पर यही है ना सब कुछ. ओके, ओके, हाँ बोलिए. स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स कितना था? स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स 125%. बोलिए बेटा. इंडाइसेस मतलब आज वो चीज आप लेने गए तो 2 रुपए की चीज 2.4 में मिलेगी. आया समझ में? तो दैट इज स्पेसिफिक इंडाइसेस. तो आज आप कितने में, जो चीज तू एक साल पहले 12,000 में खरीद रहा था वो आज कितने में खरीद रहा है तू? 14,400. ओके, मैक्सिमम ड्राइंग. हाँ जी. नो, क्लोजिंग इक्विटी वोंट चेंज. यस, क्लोजिंग इक्विटी विल बी एट ₹3. वॉट एवर द ओपनिंग इक्विटी दैट विल गेट चेंज एट करंट कॉस्ट. हाँ, नाउ यू विदड्रॉ 6000, यू शुड रिस्ट्रिक्ट यूअर विदड्रॉवल अप टू ₹. Restrict the drawings. Conclusion. Restrict your drawings. Till ₹3600. You got this concept? Then you should not
यू शुड नॉट हैव नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट एंड नाउ यू डू फॉर ओवर बेटा तमन्ना यस एंड लास्ट वन इज एट रोमन थ्री विल बी एट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस हियर विच इंडेक्स यू आर गोइंग टू यूज here you are going to use specific price indices and what is the specific price indices it will be 125% so 6000 into 2.5 what will be the amount 15000 then it will be 3000 So you should restrict your earnings till negative profit is 3000. So you should restrict your earnings by rupees 3000. Okay, understood now? So यही तो उन्होंने बोला है. इसका मतलब क्या? Current power से हम लोग गए. तो आपने 6000 units कितने में खरीदने? 2.4 एंड फिजिकल मेंटेनेंस आपको रखना है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो तीसरा टाइप है तो उसमें वही इंडाइसेस एवरेज नहीं लेना है स्पेसिफिक लेना है तो आज के दिन पे 2.5 है वो और इस तरीके से वो क्वेश्चन बनेगा ओके चलो लिखो थर्ड वन एक क्वेश्चन सॉल्विंग को दूंगा तो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्ट जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट में यू विल कंसिडर 2 रुपीज एवरेज प्राइस में यू विल कंसिडर 2.4 एंड स्पेसिफिक प्राइस इंडाइसेस में यू विल कंसिडर 2.5 आयशा नाउ इट्स इजी दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट बट वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टूड कि क्लोजिंग इक्विटी विल बी सेम योर ओपनिंग इक्विटी इज गोइंग टू चेंज So opening equity for historical cost you will consider 2 rupees for average price you will consider 2.4 and for specific price you will consider 2.5 Number of years will be same. Now you solve only one more question यहाँ पे मैं आपको एक question देता हूँ If financial capital is maintained at historical cost, Mohan started a business on 1st April 2001 with rupees 12 lakhs, 60,000 units into 20. During the year ending, he sold the entire stock at 30. In order to maintain the capital intact, calculate the maximum amount which he can withdraw during the year. You only tell me now. 6 lakhs, 60,000 units into 10 rupees, na? Difference. So your answer will be 6 lakhs. Yes.
लिखोगे क्या फॉर्मेट में आपने? इजी क्वेश्चन। आप क्या बोल रहे थे बहुत डिफिकल्ट है ना? इजी है ना? आयशा इज सेइंग कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। ए कैटेगरी क्वेश्चन राइट डाउन। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल डन ना बेटा? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आपको क्या लिखना है? एट हिस्टोरिकल कॉस्ट रुपीज 2, देन यू हैव टू राइट एट करंट परचेसिंग पावर, राइट डाउन फिक्स कैपिटल मेंटेनेंस, इंडेक्स में लिखो, इंडेक्स में। ए कैटेगरी का क्वेश्चन था, फिक्स कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एट करंट परचेसिंग पावर, एवरेज प्राइस इंडाइसेस रुपीज 2.4 एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस रुपीज 2.5 इलू 2, और इंडेक्स में लिखो TYK 8 सिमिलर टू इलू 2, सिमिलर टू इलू 2। ओवर डिंपल। ए कैटेगरी क्वेश्चन इंडेक्स में। तमन्ना सेंड मी इंडेक्स का फोटो, फोटो भेज से। हाँ जी, यस बेटा, फोटो भेज दे। ओवर ओवर क्या? बोलिए। चलो, नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। एग्जांपल 1, अ ट्रेडर परचेस आर्टिकल on certain credit period, on a credit in period 1 for rupees 50,000. He also purchased article B 20,000 cash. He sold article for 60,000 and he sold article B on credit. Profit and loss account are given below.
अभी आप लोग कैश बेसिस फॉलो करोगे क्या, एक्रुअल बेसिस? एक्रुअल बेसिस, अभी कैश बेसिस होगा तो, कैश बेसिस होगा तो आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड 50,000? नो, टू परचेसेस 2,000 रुपीज एंड बाय सेल्स 60,000, सो प्रॉफिट विल बी 58,000. सी द प्रॉफिट 58,000, करेक्ट है? ईयर वन, हाँ, ओनली ईयर वन वी विल फॉलो. ईयर वन इन केस ऑफ एक्रुअल बेसिस, इन एक्रुअल बेसिस योर परचेसेस विल बी 52,000 एंड सेल्स विल बी, व्हाट विल बी द डिफरेंस? 10,500. राइट डाउन इन इंडेक्स, इन इंडेक्स राइट डाउन एग्जाम्पल वन, पी एंड एल अकाउंट यूजिंग कैश वर्सेस एक्रूअल, से यस और नो. चलो आंसर भी लिख लो फटाफट. पी एंड एल यूजिंग कैश वर्सेस एक्रूअल इंडेक्स में लिख दो, पेज नंबर आएगा सी कैटेगरी, सी कैटेगरी, एग्जाम्पल वन ओवर. आंसर भी लिख लो फटाफट, आंसर लिखो आंसर मेन 400 पेजेस बुक में. क्षितिज होने के बाद डन बोल देना बेटा, अच्छे से लिखो, डोंट वेस्ट टाइम. 400 पेजेस में फटाफट लिखो, रफ पेजेस पे मत लिखो. क्षितिज पूरा लिखेगा ना इधर, टू परचेसेस बाय सेल्स टू प्रॉफिट, बराबर है बेटा? सर आया ना समझ में? अभी इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. इंडेक्स लिख रहा है क्या? अरे इतना टाइम नहीं होता है क्षिति. ठीक है चलो, जहां पे बोल रहा हूं मैं 400 पेजेस में, मैं टाइम देता हूं ना आपको अच्छे से लिखने को. टुडे यू आर गोइंग टू ट्राई ऑल दिस इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, कल करें क्या हम लोग ये? प्रिया कर लोगे ट्राई? आज पूरे एग्जाम्पल्स ट्राई कर रहे हो क्या? टॉपिक खत्म हो गया है वैसे तो, पर एक बार आपने देख के आए तो कल सब समझ में आ जाएगा, कल हम लोग फेयर कर लेंगे. ठीक है, ठीक है चलो, ओके नो प्रॉब्लम. आज पूरा एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करो, एक बार आपके हाथ के नीचे से गया तो इजी जाएगा आपको फिर. ओके चलो ठीक है, तो ऑल एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट एंड टीवाई के क्वेश्चंस. टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद एनी न्यू चैप्टर, टुमारो आई विल फिनिश विद दिस एग्जाम्पल्स. तो दो चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं. ओके पांच, यस चलो करते हैं आज की शुरुआत सेशन नंबर 5 की. और आज का लेक्चर मैं जानबूझ के जूम पे ले रहा हूँ, नॉट ऑन यूट्यूब. आप सबके साथ मुझे कॉन्वर्सेशन करना था, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसलिए हमने ये सेशन जूम पे रखा है. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग एनी सेशन, यस मैंने पहले क्या बताया है कि डेली बेसिस पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स याद करने हैं. डेली चार 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 स्टैंडर्ड्स आपको याद होना चाहिए. देखते हैं कितने बच्चे इसको याद कर पाते हैं थोड़े दिन में. तो एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एस टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट, एस फोर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द सॉरी कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पांच नंबर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्राइवेट आइटम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सिक्स नंबर नहीं है, सेवन नंबर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एट नंबर नहीं है, नाइन नंबर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दस नंबर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 11 नंबर क्या है तो आपका इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, 12 नंबर गवर्नमेंट ग्रांट, 13 नंबर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 14 नंबर अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, 15 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 नंबर बोरिंग कॉस्ट, 17 नंबर सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 नंबर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 19 नंबर लीजेस, 20 नंबर अर्निंग पर शेयर, 21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, 24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन,
25 interim financial reporting, 26 intangible assets, and 27 investment in joint venture, 28 impairment of assets, and 29 provision contingent liability and contingent assets. तो ये हमने कल देखा था और आज नवीन जी ने अपने को उनकी नोटबुक भेज दी है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न एक्रुअल 100 पेजेस के बुक में, ये कल मैंने लिखने को बोला था और उन्होंने ये कंसिस्टेंसी ये सब लिखा हुआ है कि यहाँ उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडेबिलिटी रिलेवेंस रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, उसके बाद मैंने एसेट की डेफिनेशन, उसके बाद लायबिलिटी की डेफिनेशन, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन और इनकम की डेफिनेशन लिखने को बोला था और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये लिखा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। आज के लेक्चर के शुरुआत के पहले बेटा हमें कल मैंने आपको ये छोड़ दिया था यहां तक लाके एक्सपेंसेस और इनकम, इनकी डेफिनेशन हमने देखी थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जल्दी से देखेंगे अगली कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमारा हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एलिमेंट्स हमने कल देखे थे उसको कौन से वैल्यू पर मेजर करना है, मेजरमेंट मतलब क्या, एट व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द मनी वैल्यू, तो ये आपको याद नहीं करना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। चलो लिख लीजिए हेडिंग 100 पेजेस चा नोटबुक ला, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होने के बाद सिंपल जी डन बोल देना। सब कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम आ रहा है? क्षितिज एकदम क्लियर है, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ। रमन जी क्लियर है, आई थिंक यू हैव नेटवर्क इश्यू। डिंपल नाउ एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है डिंपल? अभी ओके, क्षितिज होने के बाद डन बोल देना बेटा। ओके मेजरमेंट लिख के हो गया तेरा, मेजरमेंट के कितने बेसिस है अभी फिलहाल तो नाम लिख लीजिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। आई थिंक ये हमने फाउंडेशन में भी देखा हुआ था, तो मेजरमेंट बेसिस जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हेलो डन, चलिए तो वन बाय वन नाउ वी आर गोइंग टू सी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस एट व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर एसेट्स, दैट इज एट एक्विजिशन प्राइस। तो हम लोग कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट एवर द कैश पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशंस। इसके फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, स्क्रीनशॉट वन आज के दिन का हिस्टोरिकल कॉस्ट, और जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो लोग पॉज करके देख लिख लीजिए। यस तमन्ना जी स्क्रीनशॉट्स कौन निकाल रहा है आप में से,
ओके क्लैरिटी है आपके इसमें, ओके लिख लीजिए, बाद में लिखना पूरा। सेकंड वन मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, रेड पेन से लिखना है एक्विजिशन प्राइस, रेड पेन से लिखना है एक्विजिशन प्राइस, जो प्राइस पे आपने खरीदा। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। सेकंड वन करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट मींस एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड हैव बीन पेड इफ द सेम एसेट वॉज एक्वायर्ड करंटली, इफ द सेम एसेट रेड पेन है एक्वायर्ड करंटली इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करंटली, मतलब करंट कॉस्ट, आज एक्वायर करने गए तो कितना और लाइबिलिटी पे करने गए तो कितना पे करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। ओके यस सर, स्क्रीनशॉट नंबर टू आज के दिन, पॉज करके लिख लीजिए रिकॉर्डेड वाले, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, लिखने का काम आप लोगों को खुद से करना है, इससे बैच भी अपने टाइम पे खत्म होगी, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस कर सकता हूँ। तो आपको वो टाइमिंग्स कम करने हैं, पॉज करने के टाइमिंग्स आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आने वाले, और आप बच्चों को भी दूसरे दिन में दिखाई देता हूँ कि कैसे बच्चे लिखते हैं। स्क्रीनशॉट नंबर टू हो चुका है, यस बेटा तमन्ना ओवर, रियलाइजेबल वैल्यू। स्क्रीनशॉट नंबर थ्री रियलाइजेबल, रियलाइजेबल वैल्यू का मीनिंग होगा कि आज बेचने गए तो क्या, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट तो ये आएगा, एंड फॉर लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऑन सेटलमेंट। ओके एक लाइबिलिटीज के केस में, एसेट्स के केस में और लाइबिलिटीज के केस में, टू बी पेड ऑन सेटलमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जब आपको सेल करके जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। स्क्रीनशॉट नंबर कितना था, थ्री, स्क्रीनशॉट नंबर थ्री। स्क्रीनशॉट नंबर फोर पे आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होगा, एसेट्स आर कैरिड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो जनरेटेड इन दी, सो जो भी नेट कैश इनफ्लोज आपके जनरेट होने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज मेजरमेंट बेस में, ये भी एक बेस हो सकता है। और लाइबिलिटीज मतलब जो कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ओके लाइबिलिटीज के केस एक स्क्रीनशॉट नंबर फोर लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी बेटा हो गया, चलो आगे निकलते हैं। हाँ जी बेटा बोल क्या क्वेरी। लाइबिलिटीज जो आप सेटलमेंट करने जा रहे हो तो सेटलमेंट करने टाइम, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या कि जो अमाउंट पे मैंने लोन लिया था वो टाइम पे मुझे कितना पे करना है, व्हाट इज दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब आज मैं वो लोन लेने जाऊंगा तो मुझे जो इंटरेस्ट रेट से मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट कॉस्ट। एंड रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, लाइबिलिटी में जब सेटल करने जाऊंगा आज तुरंत तो मुझे जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या जो भी अर्ली पेमेंट के लिए वो रियलाइजेबल वैल्यू। एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते, आपने जो फाउंडेशन में देखा हुआ था कि प्रेजेंट वैल्यू आप एन्युइटी वगैरह जैसे कैलकुलेट करते हैं जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। आया समझ में? ओके तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आशा करता हूँ कि आप फटाफट इसको लिख लोगे। अभी हम लोग निकल रहे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपकी, हाँ जी बेटा करंट कॉस्ट मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं सपोज पहले साल में 100 रुपया मिलाऊंगा, दूसरे साल में 100 रुपया, तीसरे साल में 200,
चौथे साल में 300, तो इनकी आज की वैल्यू जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ओके। एंड करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट मतलब आज हम लोग एक्वायर करने गए एसेट और लाइबिलिटी पे करने गए तो जो वैल्यू आप लोग देने वाले हो उसको बोलते हैं करंट कॉस्ट, ओके। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जितने साल आपको पैसा मिलने वाला है उनकी आज की वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, ओके। चलिए अभी हम लोग निकलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कैपिटल मेंटेनेंस। सर कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है? कैपिटल मेंटेनेंस का मीनिंग होगा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट करंट परचेसिंग पावर एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स आर स्टेटेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, रीस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग प्राइस यूजिंग एवरेज प्राइस कुछ भी नहीं समझेगा, एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में क्लोजिंग प्राइस यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। सिर्फ लिख लो बेटा, हम लोग इसके ऊपर इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले। ये कौन सा स्क्रीनशॉट नंबर था? 5, बाद में लिखो, मतलब 5 नंबर का स्क्रीनशॉट है, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए मैं आपको टाइम देने वाला हूँ। जितने भी रिकॉर्डिंग में देखने वाले बच्चे हैं बेटा, आपको मैं 10 मिनट पहले आप खुद से सॉल्व करो इलस्ट्रेशन 2, फिर आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे हमारे, पहले पहले बेटा आप लोगों को इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करना है। ये फोटो आपने ले ही लिया रहेगा, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है कैपिटल मेंटेनेंस, ये लास्ट पार्ट था। अभी ये कल एक्चुअली होना चाहिए था ये टॉपिक कंप्लीट, मैं अभी अगले 20 मिनट इसलिए आज जूम पे लेक्चर लिया। रीजन इज वेरी सिंपल, यूट्यूब पे मैं 20 मिनट नहीं दे सकता था, मुझे तुरंत बोलना पड़ता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, आप पहले इलस्ट्रेशन ये पूरा का पूरा लिख लो, लिखने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करो, एंड वी आर गोइंग टू मीट एट 5:30 टू 6 o'clock में मैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 आपको समझ में आने वाला नहीं है। पहले काम करो, लिखने का काम बाद में करो। सपोज आपको इलस्ट्रेशन 2 समझ में आया तो लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपको इसको 20 मिनट तो भी लगने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझने को। थोड़ा सा मुश्किल है, पर क्या है कॉन्सेप्ट ये समझने की प्रॉपर कोशिश करना, ओके। या डायरेक्टली आंसर बता दो बेटा अनुराग, ट्राई करोगे सब लोग? डिंपल ट्राई करो, हाँ जी बेटा ये ट्राई करो। मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, क्वेश्चन सामने रख देता हूँ, आंसर भी देखने की कोशिश कीजिए। अजी किधर गया एडवांस में? और ए इलस्ट्रेशन 2 और हम लोग एग्जांपल्स भी देखने वाले, सो डोंट वरी, ओके। इसके बाद हाँ जी पहले ये कंप्लीट करो इलस्ट्रेशन 2, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। आपको लिखना है, एक काम करो, 4:57 5:20 को हम लोग शुरू करेंगे, मतलब आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। जितने भी एग्जांपल्स है वो भी देख लो, जितना टाइम मिलता है वो देख लीजिए। 5:20 को वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके।